हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता देता हूं, आज से हम रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर्स तीनों चीज़ें जो हैं यहां पर कवर किया करेंगे डेली। रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर्स, तो सबका प्रैक्टिस होगा, लाइव प्रैक्टिस होगा। जितनी जल्दी हो सके जवाब देने की कोशिश करिएगा, और जितने स्टूडेंट्स आ चुके हैं उन सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? शुरू करते हैं फिर पहले क्वेश्चन से। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, बताते हुए चलिएगा, तो सरप्राइज है आप लोगों के लिए कि आज से आप लोगों का रीजनिंग भी होगा, जीके के क्वेश्चंस भी होंगे हर एक सब्जेक्ट के, और प्लस आप लोगों के लिए लास्ट में करंट अफेयर्स रिवीजन भी होगा, ताकि टच दिया जाए, हमारी प्रिपरेशन को एक टच मिले फाइनल टच की तरफ। तो धीरे धीरे हम बढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको कवर करा चुका हूं, तो अब आपको टच देना स्टार्ट करना है, और साथ के साथ घर से प्रिपरेशन करते रहें। जो लोग नए जुड़ते चले जाएंगे वो पुरानी चीज़ों को देखते रहें। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से जवाब दीजिएगा। सचिन गणेश से बड़ा है, वरिष्ठ का मतलब है बड़ा, गणेश सहवाग से बड़ा है, सहवाग राजू से छोटा है, राजू गणेश से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन है, यह आपसे पूछा गया है, जवाब दीजिए। देखते हैं कितनी जल्दी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब दीजिएगा, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है? आराम से कॉपी पेन निकाल लो एक बार सारे। स्नेहा पाल ने बोला है सचिन, बिल्कुल सही जवाब है, सचिन इज द करेक्ट आंसर, सचिन इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्या बोला गया है, सचिन जो है वो गणेश से बड़ा है। मान लो ये सचिन है एस, ये गणेश से बड़ा है, उसके बाद गणेश जो है वो सहवाग से क्या है, बड़ा है, गणेश सहवाग से बड़ा है, ये हो गया सहवाग एस ई। सहवाग राजू से क्या है, छोटा है, सहवाग जो है ये राजू से छोटा है, मतलब राजू जो है वो सहवाग से बड़ा है, कुछ इस तरीके से बना, और राजू गणेश से छोटा है, और राजू जो है ये गणेश से छोटा है, मतलब गणेश जो हुआ, तो मतलब ये जो प्रक्रिया है, गणेश जो हुआ ये राजू से बड़ा है। अब आप फिट कर सकते हैं क्या होगा, मतलब ये वाला हटेगा और ये बन जाएगा एस डैश ये, तो मतलब सचिन जो है सबसे बड़ा है, तो करेक्ट आंसर होगा सी, सी इज द करेक्ट आंसर। सभी को समझ आ गया होगा, कॉपी पेन साथ में लेके बैठेंगे तो चीजें जो है समझ में आती रहेगी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बताओ इसके बाद क्या आएगा, जैसे 36 के बाद यहां पर 55 है, 68 के बाद इसका संबंध किससे होगा, जैसे 36 का संबंध 55 से है वैसे ही आपको बताना है 68 का संबंध किससे होगा। देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाएंगे, जवाब दो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छे से आराम से पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है, धीरे धीरे पढ़कर जवाब दो। कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, किसी का जवाब आया जीरो, इसका करेक्ट आंसर होगा जीरो, क्या होगा जीरो, इसका सही जवाब होगा जीरो। अब कैसे देख लो, जीरो कैसे आया भाई, 36 का संबंध 55 से है, 36 का संबंध किससे है, 55 से, ठीक है। तो आप क्या करो, 100 में से देखो, 100 में से अगर मैं 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस करता हूं, ठीक है, तो ये क्या बना, 100 माइनस 9 प्लस 36, 100 में से अगर मैं 45 घटाऊं 55 बचता है कि नहीं बचता, समझ गए। ऐसे ही 100 में से 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर को माइनस करो, 6 चौक 64 और 6 का स्क्वायर 36 और 8 का 64, तो 100 में से 100 गया, कितना बचा जीरो, बी जीरो इज द करेक्ट आंसर, जीरो इज द करेक्ट आंसर। सभी को क्लियर हो गया, कोई डाउट हो तो बताइएगा, जीरो इसका सही जवाब है। जो लोग जीरो बोल रहे हैं उनका सभी का सही जवाब है, तो करेक्ट आंसर होगा जीरो। 100 में से 36 घटाते हैं, 100 में से 3 का और 6 का स्क्वायर अलग अलग करके घटाएंगे तो 55, और 100 में से 6 का और 8 का घटाएंगे तो कितना हो गया जीरो, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई ए सी का संबंध जिस प्रकार सी ई जी से है, एन ओ क्यू का संबंध किससे होगा। मैं आपको 13 सेकंड देता हूं इस क्वेश्चन को बनाओ, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाएंगे। भाई थोड़ा टाइम ले लो, कोई बात नहीं है, लेकिन करने की कोशिश करो।
करने की कोशिश करो। तो करेक्ट आंसर क्या आया? ए आर एस यू, बिल्कुल सही जवाब है प्रीति सरोव। जिन लोगों का ए आया है सही जवाब है। भाई कैसे आया समझाता हूं, ए कैसे आया, कुछ लोगों ने जल्दी से आर यू एस लगा दिया। सारे ऑप्शन देखो, देखो वाई के बाद सी पे जाता है, प्लस तीन हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो भाई वाई के बाद जेड, उसके बाद ए और बी, तीन को छोड़ के प्लस तीन पे सी आया, ए के बाद ऐसे ही ई आया, सी के बाद जी। हमें यहां भी यही करना है, एन के बाद ओ को छोड़ा, पी को छोड़ा, क्यू को छोड़ा। कुछ प्लस चार बोलेंगे, कुछ प्लस तीन बोलेंगे, सबका अपना तरीका होता है, ठीक है। तो मैं छोड़ने, जितने छोड़ रहे हैं उनको प्लस तीन मान लिया, ऐसे ही ओ के बाद पी क्यू आर छोड़ दिया तो एस आ गया, क्यू के बाद आर एस टी छोड़ दिया तो यू आ गया, ए इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? ए। आप प्लस चार बोल सकते हैं, मैं जो छोड़े गए हैं मैं उसको प्लस तीन बोल लेता हूं, क्योंकि रीजनिंग में सबका अपना तरीका होता है थोड़ा सा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बताइएगा। यदि प्लस का अर्थ हो भाग देना, प्लस का अर्थ है भाग, डिवाइड का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, और गुणा का अर्थ है प्लस, तो बताओ इसका मान क्या आएगा? देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, किसी को बस थोड़ा टाइम टेकिंग होता है क्वेश्चन, बोर्ड मास का आपको यूज करना है, जल्दी से सोल्व करो। और जिन लोगों, जिन मेरे भाइयों ने, बड़े भाई और छोटे भाई बहन जो भी हैं, लाइक नहीं किया हो तो एक बार लाइक भी कर दें और जवाब देते रहे। डेली 8 बजे आप लोगों को मॉक टेस्ट कराऊंगा, रीजनिंग भी कराऊंगा डेली, जीके भी कराऊंगा, और थोड़े से दिनों में मैथ्स भी स्टार्ट कराऊंगा। आप टेंशन ना लें, बस थोड़ा सपोर्ट बनाए रखें अपना। काफी लोग बोल रहे हैं 44, बिल्कुल 44 इसका सही जवाब है, 44 इसका सही जवाब है। अब देखो क्या करना है, हमें सिर्फ साइन चेंज करना है। क्या करना है? साइन चेंज करना है, प्लस की जगह डिवाइड कर दो, तो 8 डिवाइडेड बाई 4 हो गया, डिवाइड की जगह माइनस कर दो, 4 माइनस 3 हो गया, मल्टीप्लाई की जगह क्या करना है? प्लस, मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, और माइनस का अर्थ क्या है? गुणा, और गुणा कितना? ये 5 और माइनस का अर्थ है गुणा 9। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 4 × 2 = 8, 2 - 3 और 9 × 5 = 45, फिर उसके बाद हम डिवाइड कर गुणा करते हैं, तो 45 और 2 = 47, 47 में से 3 गया 44। सभी को समझ आ गया 44 कैसे आया? 44 सभी को समझ आया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे जो है एक श्रृंखला दी गई है, उसमें आपको बताना है कि आगे क्या आएगा। ध्यान से देखो और बताओ अगला आंसर क्या होगा इसका, ये आपके सामने है, ध्यान से देखिए और जवाब दीजिएगा कि आगे का इसका आंसर क्या होगा। कोई डाउट नहीं होगा इसमें, सभी का आंसर बहुत आराम से और विदाउट एनी हेजिटेशन आ चुका होगा। वेरी गुड, सी इज द करेक्ट आंसर। देखो क्या कर रहा है भाई, ये जो तीर कमान सा है ये हर एक अगली संख्या में कम हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, यहां पर 5 थे, यहां 4 हो गए, यहां 3 हो गए, यहां 2 हो गए, अगले में एक ही बचेगा और मुझे एक ही ऑप्शन में वो दिख रहा है, एंड सी इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट नहीं, इससे इजी हो ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन जब ब्लड रिलेशन के आते हैं थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं, समझने की कोशिश करें। एक महिला की ओर इशारा करते हुए सूर्या ने कहा, उसकी मां के पति की बहन, उसकी मां का पति की बहन मेरी बुआ है, तो वह महिला के साथ किस रूप से संबंधित है? जवाब दीजिएगा। उसकी मां का पति की बहन मेरी बुआ है, उसकी मां के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला के साथ किस रूप से संबंधित है? बहुत बढ़िया, भाई इज द करेक्ट आंसर। जिन लोगों ने भाई बताया, अरे सबने सही बताया, वेरी गुड, मतलब ब्लड रिलेशन आता है आप लोगों को, बहुत बढ़िया। ब्लड रिलेशन भाई सबसे अच्छा तरीका होता है, इन लोगों को खुद मान के कर लो, और वरना ट्रिक मैंने आपको सिखा रखी है उससे कर लो। ए इज द करेक्ट आंसर भाई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। यदि जड़ का मतलब हो 26, जड़ का मतलब हो 26 और एनईटी बनता हो 39, तो नट का बताना है आपको मान कितना होगा, नट का मान आपको बताना है कितना होगा।
देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाएंगे। जब मैंने आपको बताइएगा 55, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई दिवाकर सिंह, स्पीड गुड ब्रदर, करेक्ट आंसर होगा 55। देखो जेड 26 है, एम आता है 13वें नंबर पर, एन आएगा 14वें नंबर पर, ई आता है 5वें पर, और इजोटी सिखाया था ना मैंने, ई जो टी, और टी आता है 20वें नंबर पर। देखो ये कितना बना, 34 और 5 39, मतलब सिर्फ जोड़ना है। अब जोड़ दो, एन कितने पे है 14 पे, और इजोटी से देखो इजोटी टी आता है 20वें पे, और यू कितने पे आएगा 21वें पे, कोई डाउट नहीं है, और टी आ गया 20वें पे। सबको ऐड करना था, 4 और 1 5, जिसके लास्ट में 5 है वही आंसर है 55, इसका सही जवाब हो गया, कोई डाउट नहीं होगा। बस कौन से नंबर पे क्या आ रहा है उनको मिला के ऐड करना था, सही है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ऐसे क्वेश्चन में काफी बार गलतियां कर देते हैं स्टूडेंट्स। चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये क्या है, बनाने की कोशिश करें, आपको बताना है यहां पर क्या आएगा, ध्यान से देखो। 20 सेकंड देता हूं और उम्मीद करूंगा सभी सही जवाब देंगे। कॉपी पेन साथ रखना भाई, अगर रीजनिंग कर रहे हो तो कॉपी पेन साथ रखना। आप लोगों के लिए मैं पेपर मॉक टेस्ट इधर उधर से उठा के लेके आ रहा हूं, तो थोड़ा सपोर्ट भी करना और डेली आ जाना 8 बजे। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दे दोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा, और मैं लेटेस्ट पैटर्न से रिलेटेड कराऊंगा, लेवल थोड़ा हाई रखूंगा इन कंपैरिजन टू योर्स। जो तुम्हारा दिल्ली पुलिस का लेवल होगा उससे थोड़ा हाई रह गया। बहुत बढ़िया, कुछ लोग सी बोल रहे हैं, 2 बिल्कुल सही जवाब है, 2। अब कैसे आया कुछ स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे, देखो भाई कैसे आया। अगर मैं 4 की 5 में गुणा करा देता हूं कितना बना 20, और 3 की 1 में गुणा करा दूं 3, तो 20 + 3 कितना बना 23, समझ आ गया। 7 6 42 और 3 4 12 ऐड करा कितना बना 54, तो समझ आ गया होगा आंसर कैसे आएगा। 11 2 22, 22 में कितना जोड़े कि 40 बन जाए, तो ऑब्वियसली 18 जोड़ेंगे, तो 9 में किसकी गुणा कराएगी 18 बने 2 की, तो आंसर क्या हो गया सी 2 इज द करेक्ट आंसर, 2 इज द करेक्ट आंसर। समझ आया भाई सभी को, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बस मेरे भाई बहनों जो लोग आए हैं अभी वो लाइक करते रहे और शेयर भी कर दें, एक दो दो चार दोस्त के साथ कर सकते हो। तो यदि मल्टीप्लाई का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है गुणा, और भाग का अर्थ है प्लस, और प्लस का अर्थ है माइनस, तो सोल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पता है क्यों दिए जाते हैं, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कराने के लिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको 20 सेकंड में बनाना होता है ये वो क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी 1 से 2 मिनट खा जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी होता है लेकिन कभी टाइम टेकन होता है ये क्वेश्चन, तो जल्दी से सोल्व करें इसको, क्योंकि आपको इसका वैल्यू जो है, और मैंने आपको मैथ्स में यूनिट डिजिट पढ़ाया था, उस कंसेप्ट से चलोगे तो जल्दी से आंसर बता दोगे। देखो माइनस का अर्थ क्या है गुणा, तो 3 × 15, डिवाइड का अर्थ कहां क्या दिया गया है, देखो डिवाइड का अर्थ कहां क्या है प्लस, तो प्लस 19, ब्रैकेट वाले को पहले सोल्व करते हैं, तो 5 + 15 ठीक है 5 बचा, और 9 में 5 जोड़ा तो 4 आ गया, 4 आया कि नहीं आया। गुणा का अर्थ क्या है भाग, तो भाग 8 ठीक है। उसके बाद प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस 6 कुछ इस तरीके से होगा ठीक है। अब 8 में से 6 गया 2, तो करेक्ट आंसर कौन सा बन रहा है, 2 इज द करेक्ट आंसर। आप बोलोगे सर ये कैसे किया है, भाई यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है, कुछ लोग पूरा सोल्व करते हैं, जिन लोगों ने मैथ्स की मेरी क्लासेस देख रखी होगी पहले से उन्हें पता होगा। ऐसे मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें सर खपाना ही नहीं पड़ता, बस आखिरी संख्या निकालते जाओ आंसर आ जाता है। देख लेना मैथ्स की क्लासेस देखना स्टार्ट कर दो, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में असंगत संख्या ज्ञात करें, जो गलत है यहां पर वो आपको बताना है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाएंगे, जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा, असंगत कौन सी है यहां पर। अभी कुछ स्टूडेंट है जो लाइक नहीं कर रहे, कुछ लोग बी बता रहे हैं भाई 151, क्या 151 सही जवाब है, बाकी लोग भी कर लो, टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो। अभी स्पीड तो मैं खुद करा दूंगा आपकी तैयार, पेपर जैसे नजदीक होगा स्पीड भी पे भी काम करेंगे। हाँ बिल्कुल 151 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल 151 सही है। कैसे देखो, 210 में से 195 आया,
तो मतलब कितना घटा है यहां पे 15, मुझे साफ साफ दिखा है 15 माइनस हुआ, 195 से 75 यहां पर 20 माइनस हुआ, मतलब 5 यहां बढ़ रहा है तो 5 यहां भी बढ़ेगा, 25 जब हम माइनस करते तो 150 आना चाहिए था, और 150 में से 175 में से 25 घटा के 50 आता है और फिर 30 घटाया गया है, मतलब ये 151 यहां पर गलत है। तो करेक्ट आंसर बी होगा, सभी को समझ आ गया, कुछ लोग जो सी बोल रहे थे, पहले 15 घटा फिर 20 घटा फिर 25। भाई एक प्रैक्टिस सेट रोज, भाई रोज ही कराऊंगा मुरारी भाई, रोज कराया करूंगा, बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते रहे, समझ आया सभी को। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको इन चारों में से अलग बताना है कि इन चारों में से अलग कौन सा है, चाकू, काटा, प्लेट या चम्मच। हाँ वो प्रियंका सिंघानिया, वो सबका कंसेप्ट अलग अलग होता है करने का, क्वेश्चन को आप जितनी जल्दी जिस तरीके से पकड़ सके पकड़ लो। चाकू, काटा, प्लेट या चम्मच। देखो चाकू, काटा और चम्मच, इन सब का यूज हम खाने में करते हैं, अंग्रेज लोग देखे होंगे ना आपने, इन सारी चीजों का खाने में करते हैं, ठीक है बताओ। चाकू, काटा और चम्मच से अंग्रेज लोग खाना खाते हैं, हम तो भाई हाथों से भी खा लेते हैं, अपन को चम्मच वम्मच का उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लेट में खाना रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, सी इज द करेक्ट आंसर, समझ आया सभी को। अरे मूवी वूवी नहीं देखते, चाकू से काटा, फोर्क में लिया फिर खाया, हॉलीवुड मूवीज देखा करो, हिंदी से निकलो बाहर। बहुत बढ़िया सी। अब अगले का जवाब दो, ए आई जे एन आर एस डब्ल्यू एफ एच जे, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। कौन सा सबसे अलग है, कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं, सी या डी कर लो आराम से करो, टेंशन नहीं है कोई, थोड़ा बाद में स्पीड पे काम करेंगे, अभी आराम से सभी का जवाब आना चाहिए। बिल्कुल डी इज द करेक्ट आंसर। कैसे आया, देखो कैसे आया है, ए के बाद ई, चार नंबर का डिफरेंस, ई के बाद आई, चार का डिफरेंस, जे के बाद एन, चार का डिफरेंस, चार का डिफरेंस, सब में चार का डिफरेंस है, लेकिन एफ के बाद जी एच, दो का डिफरेंस है, एच के बाद आई जे, दो का, तो सबसे अलग डी हो गया, तो क्या हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर। जिन लोगों का डी था उनका सभी का सही जवाब है। कुछ लोग वन का डिफरेंस मानते हैं, कुछ दो का, वो सबका अपनी अपनी सोच पर डिपेंड करता है, आंसर सही है ना, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 43, सबका अपना तरीका होता है रीजनिंग को अटेम्प्ट करने का, क्योंकि रीजनिंग एक तरीके से सबका अलग अलग दिमाग काम करता है, किसी भी दो व्यक्ति का दिमाग एक जैसा नहीं होता। देवांश का जन्मदिन शुक्रवार 14 अप्रैल को हुआ था, कैलेंडर करा चुका हूं आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से। यदि रोहन का जन्म 20 सितंबर को हुआ था तो उसी वर्ष रोहन का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा, बताइएगा। कैलेंडर देख लेना अगर समझ में ना आए, यहां पे ट्रिक्स नहीं बताऊंगा, मॉक टेस्ट है, सीधा जवाब दो गलत या सही। कैलेंडर करा चुका हूं, रीजनिंग की वीडियो जाओ देख लो, पूरा कैलेंडर कंप्लीट कराया बहुत बेहतरीन तरीके से। पंद्रह अप्रैल से 20 सितंबर के बीच में देखना है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा बुधवार। क्या होगा, बुधवार, बिल्कुल एसबी स्टडी पॉइंट ने बिल्कुल सही जवाब दिया, डिंपी गुज्जर ने भी, तो करेक्ट आंसर होगा बुधवार। किस महीने में कितने दिन आते हैं, देखो 14 के बाद अप्रैल में कितने दिन बचे हुए हैं, 16 दिन, ठीक है 16 दिन यहां पे बचे हुए हैं, फिर मई के 31 दिन, फिर उसके 30 दिन, फिर 31 दिन, टोटल डेज जितने बने उसे हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 5 बच जाएगा, शुक्रवार में 5 ऐड कर दो बुधवार। कुछ लोगों को थोड़ा कंसेप्ट समझ नहीं आएगा अभी, उन भाइयों को मैं बोलूंगा कैलेंडर पढ़ाया है एक बार देख लो, रीजनिंग में बोलोगे सर सारे टॉपिक करा दो, जाके देखना है, देख तो सकते हो ना, वीडियो में बता दूंगा कहाँ है, प्लेलिस्ट में जाओ, दिल्ली पुलिस रीजनिंग की प्लेलिस्ट खोलो, सारे टॉपिक्स कवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन से है, ध्यान से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। पी और क्यू एक ही बिंदु से साइकिल चलाना शुरू करते हैं, पी उत्तर की ओर 18 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर अपने दाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है, क्यू पूर्व की ओर 9 किलोमीटर तक साइकिल, सारा पढ़ो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 और जवाब दो। जय हिंद सिल्फी गौतम, जय हिंद भाई। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने लाइक का बटन नहीं दबाया, एक बार दबाएंगे वो लाइक का बटन, देख लो भूल भाल गए वो कभी।
जय सिंह भाई दबा दो आप भी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अरे गजब, तुरंत 72 हो गए, वेरी गुड, थैंक यू भाई, थैंक यू, लव यू ऑल। आया किसी का जवाब या क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा? क्वेश्चन पढ़ लो यार, सोल्व कराऊं। देखो भाई डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन तो पता होगा, जो सबसे ऊपर वो नॉर्थ, इधर साउथ, इधर होता है वेस्ट, और पाकिस्तान कहां पे है? वेस्ट में, और ये है ईस्ट, समझ गए? अब क्या बोला गया है, पी जो है, पी और क्यू एक ही बिंदु से साइकिल चलाना शुरू करते हैं, पी और क्यू एक ही बिंदु से साइकिल चला रहे हैं, पी उत्तर की ओर 18 किलोमीटर साइकिल चलाता है, पी जो है ये उत्तर की ओर चलाता है 18 किलोमीटर, फिर अपने दाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है, कुछ लोग 8 किलोमीटर दक्षिण बोल रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है भाई, 8 किलोमीटर दक्षिण, राकेश कुमार ने बिल्कुल सही जवाब दिया, 8 किलोमीटर दक्षिण इसका सही जवाब है। अभी नहीं आया हो किसी का आंसर तो करते रहो, आ जाएगा, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लगाओ आंसर आएगा, कोई डाउट नहीं है, सीधा सीधा आंसर निकलेगा, बस जैसे बोल रहा है वैसे साइकिल चलाना स्टार्ट कर दो। देखो मान लो पी यहां पे है, इसने 18 किलोमीटर चलाई नॉर्थ की तरफ, ठीक है, उसके बाद क्या बोला, फिर अपने दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ गया, ठीक है, दाएं का मतलब राइट हैंड पे, 3 किलोमीटर चला। क्यू के बारे में बताया कि क्यू यहां से, क्यू ने भी यहां से स्टार्ट करेगा, वो 9 किलोमीटर चलाता है, कहां पर? पूरब की तरफ, तो पूरब तो इधर था, डायरेक्शन मैंने लिख रखी है, उसके बाद वो उत्तर की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है, 10 किलोमीटर इधर मुड़ गया, ये 10 किलोमीटर हो गया, उसके बाद 6 किलोमीटर इधर गया, तो अब पूछा है डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितने का है, तो सिंपली आ गया होगा 10 ये 18, ये 18 था, ये 10 था, तो 8 किलोमीटर का है, दोनों किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, तो दक्षिण किलोमीटर की तरफ है, क्यू के बारे में पूछा गया है, तो क्यू क्या है, 8 किलोमीटर दक्षिण में है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कथन है और नीचे तर्क दिए गए हैं, और आपको बताना है कौन सा कथन जो है और तर्क एक दूसरे को फॉलो करता है। क्या रोकसो को पर्यटन स्थल पर आधी रात तक चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए? आप लोगों को एक स्टेटमेंट दिया गया कि क्या रोकसो को पर्यटन स्थलों पर आधी रात तक चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए, रोकसो जहां पे गाना बजाना होता है ना, तो आगे लिखा है आप बोल रहे हैं हाँ, रोकसो के कारण अधिक पर्यटक आते हैं, पर्यटन स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए बढ़िया होता है, पहला रीजन दिया है कि हाँ रोकसो होना चाहिए क्योंकि इससे हमारी इकोनॉमी पे बढ़िया असर पड़ता है, हम अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। दूसरा, नहीं, पर्यटन के कारण स्थानीय परंपराओं को नुकसान पहुंचता है, तो आपको बताना है कौन सा तर्क जो है मजबूत है। बिल्कुल ए इज द करेक्ट आंसर, ए, रोकसो के कारण किसी की संस्कृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, जिसे नहीं जाना वो मत जाओ, तो करेक्ट आंसर होगा ए, रोकसो के कारण ही पर्यटक बहुत ज्यादा आएंगे, जैसे जस्टिन बीबर आए थे, ठीक है, एक टिकट जो है लाखों में बिक रहे थे, और पर्यटन स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए बढ़िया होता है, पर्यटन क्या होता है, बढ़िया होता है, हमारी अर्थव्यवस्था जो है डेवलप होगी। भाई आपको अपनी संस्कृति नहीं जाना तो आप वहां पे मत जाओ, तो करेक्ट आंसर होगा ए, केवल तर्कवन जो है मजबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे कि इस फिगर को मोड़ा गया तो बताओ कौन सा डाइस बनेगा, कौन सा डाइस बनेगा, डाइस चैप्टर भी मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं, डाइस चैप्टर भी मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं, जवाब दीजिएगा, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होगा, ये सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। देखो ये हमेशा इसके अपोजिट होगा, हैशटैग हमेशा स्टार के अपोजिट होगा और स्टार हमेशा पांच के अपोजिट होगा, तो ये कभी भी ना तो एक साथ आ सकते ना कभी एक साथ अपोजिट वाले दिख सकते, ठीक है, तो करेक्ट आंसर बताओ किस क्या होगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, जो लोग सी बोल रहे हैं उनका सभी का सही जवाब है, और सॉरी यहां पर क्या गया था, कौन सी नहीं बनेगी, अच्छा हाँ कौन सी नहीं बनेगी है, तो कौन सी नहीं बनेगी, सी नहीं बनेगी, क्योंकि ये भी बनेगी, ये भी बनेगी, ये भी बनेगी, सी नहीं बनेगी, तो करेक्ट आंसर होगा सी, सी जो है वो नहीं बनेगी, बाकी सारी बन जाएगी, सारी डाइस बन सकती है, सारी डाइस बन सकती है, याद रखने के लिए ऐसे रखो, मैंने बताया था अगर मैं इसे वन मान लूं, इसे टू, इसे थ्री, इसे फोर, फाइव, सिक्स, तो वन के अपोजिट हमेशा फाइव होगा, ठीक है, टू के अपोजिट हमेशा क्या होगा, वन टू थ्री फोर होगा, और
ये थ्री के अपोजिट जो है हमारा सिक्स होगा, तो या तो एक दो तीन दिखेंगे हमें या पांच चार छह दिखेंगे, एक साथ कभी नहीं दिखेंगे। यहां पर कुछ एक साथ दिख रहे थे तो इस वजह से ये नहीं होगा। आंसर था कौन सी नहीं बनेगी, तो ये नहीं बनेगी, बाकी ये भी बन जाएगी, ये भी और ये भी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, जो स्क्वायर है वो डॉक्टर्स के बारे में बताता है, चिकित्सकों के बारे में। ट्रायंगल जो है वो आनुवांशिकी वादियों के बारे में बताता है। जो गोला है वो योग चिकित्सकों के बारे में बताता है। और आयत जो है वो पिताओं को दर्शाता है। आपसे पूछा गया है अक्षरों का वो कौन सा समूह है जो योग चिकित्सकों को दर्शाता है, जो न तो आनुवांशिकवादी है और न ही पिता है। ध्यान से क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा भाई मैनेज कर लेना इस क्वेश्चन को, बिना ऑप्शन के जवाब दे दो, क्या होगा करेक्ट आंसर। ध्यान से पढ़ो, देता हूं 20 सेकंड है आप लोगों के पास, आराम से ध्यान से देखकर जवाब दो। वर्ग बोलते हैं स्क्वायर को, वर्ग बोलते हैं स्क्वायर जो डॉक्टर्स को बताता है, ये रहा, ये है स्क्वायर, ठीक है। और त्रिभुज, ट्रायंगल, तीन साइड जिसकी होती है, ठीक है, ये अनुवांशिक। वृत्त होता है सर्कल, अब समझ आ गया सारी। और आयत होता है रेक्टेंगल। सर क्वेश्चन बायलिंगुअल लाया करो, चलो देखेंगे भाई, मेहनत बहुत ज्यादा हो जाती है, उतना सारा आप लोगों का सपोर्ट मिलता नहीं बायलिंगुअल लाने में। एफ और जी वे हैं जो ना तो आनुवांशिकवादी है और ना ही पिता है, ना आनुवांशिकवादी है और ना ही पिता है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। एक बोल रहा है सर बी होगा, ऑप्शन कैसे बी होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, एफ और जी। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, किसी को लेना हो बाद में देखना हो ये क्वेश्चन, किसी को समझ नहीं आया हो बाद में सोल्व करना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सी आकृति जो है इसको कंप्लीट करेगी, ये पूछा गया है कि कौन सी आकृति है जो इसको कंप्लीट करेगी। जवाब दीजिएगा, ध्यान से देखो और बताओ कौन सी आकृति है इन चारों में से जो इसको एकदम पूरी तरीके से कंप्लीट करेगी। तो आराम से, कोई डाउट नहीं होगा, सबको आंसर मिल गया होगा। कुछ लोग सी बोल रहे हैं, सी कैसे बोल रहे हैं, ए करेक्ट आंसर है ए। देखो ये यहां से जाएगा, ये यहां से आएगा और सर्कल इधर थोड़ा सा, तो कौन सा पार्ट बचा, ए, ए इज द करेक्ट आंसर। सभी का आया जवाब, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये आ गया पेपर फोल्डिंग, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है पेपर फोल्डिंग से। बताओ पेपर को पहले ऐसे था स्क्वायर की शेप में, फिर उसे टर्न करके मोड़ा गया, फिर उसे जो है उसका ऐसे कर दिया गया, फिर ये दो कट लगाए गए ऐसे और ऐसे। अब बताओ फिगर कौन सी बनेगी इसमें से, इसमें से आपको बताना है फिगर कौन सी बनेगी, जब आप उसे अब खोलोगे तो फिगर कौन सी बनेगी, ध्यान से बताना भाई। देखो कॉर्नर पे सर्कल बनना है, ये कंफर्म है, कॉर्नर पे सर्कल बनेगा, आधा आंसर यहीं से मिल जाएगा। कंप्लीट सर्कल नहीं बनेगा, ये भी कंफर्म है, तो मतलब डी ऑप्शन तो होगा नहीं, ए भी नहीं होगा, समझ गए। देखो कॉर्नर से कट लगा है ना, और जब इसे पूरा खोलेंगे तो कॉर्नर पे पूरा आधा सर्कल बनेगा, तो मतलब दो ऑप्शन तो हमारे तुरंत खत्म हो गए, एलिमिनेट, ऑप्शन एलिमिनेट, दिमाग लगाया करो, ठीक है। उसके बाद एक कट कहां पे है, यहां पे है, यहां पे उसने कट लगाया, जब आप इसे खोलोगे क्या कहीं जाएगा ये कट, देख लो हिसाब से, बिल्कुल एक यहां पे भी आ जाएगा, तो ऑप्शन बी मेरे को नजर आ रहा है करेक्ट आंसर, जो कहीं ना कहीं इसका बी होगा, नहीं बी नहीं होगा, सॉरी बी नहीं होगा, सी होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी होगा, बी नहीं होगा, सी होगा, बिल्कुल जिन लोगों ने सी बोला था उनका सही जवाब है, मैंने गलती से बी बोल दिया, सी होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये यहां है ना, हाँ बिल्कुल सी, ऊपर से यहां पे आएगा, बिल्कुल सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पे ये पूरा सर्कल बन जाएगा और यहां पे पूरा सर्कल बनेगा और वो बन रहा है बिल्कुल सी के अकॉर्डिंग, सी इज द करेक्ट आंसर।
चलो अब जीके पे आते हैं, फटाफट जवाब देना स्टार्ट करिएगा, और अब तक जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो। अब शुरू करते हैं जीके, फिर उसके बाद हम रिवाइज करेंगे करंट अफेयर्स, डेली क्लास होगा आप लोगों का। आप प्रियंका सिंघाना क्या बोल रहे हैं, पूरा कमेंट नहीं आ रहा इनका, आप गलत कर हमारा टेस्ट लेते हो ना, पता नहीं क्या लिखे हो, छोटे कमेंट लिखा करो यार, इतना बड़ा समझ नहीं आता, पढ़ ही नहीं पाता कभी कभी तो। चलो अब करते हैं स्टार्ट। कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है, कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है, कराधान, जनव्यय, लोकऋण या क्रेडिट राशनिंग, जवाब दीजिएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, क्रेडिट राशनिंग, डी इज द करेक्ट आंसर, क्रेडिट राशनिंग। करंट अफेयर्स रिवाइज भी करेंगे, अभी मत जाओ। क्वेश्चन नंबर 62, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए, बहुत बढ़िया प्रतीक दहिया, देखते हैं कौन सबसे पहले सही जवाब देगा, और बाकी लोग जो अभी जुड़े हैं वो लाइक करते रहे, एक बार देखो भूल भाल तो नहीं गया, लाइक करना। भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है, भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षक राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सी, बिल्कुल सी इज द करेक्ट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय का सॉरी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला शासक, कोई डाउट नहीं होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, ए इज द करेक्ट आंसर, थोड़ा स्पीड बढ़ा लो आप कमेंट्स की, अब फटाफट कमेंट्स के जवाब आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है, वो कौन सा ग्रह है जिसे पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, शुक्र ग्रह, बिल्कुल शुक्र इज द करेक्ट आंसर, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है, सर इंग्लिश में भी मतलब बता दिया, अच्छा किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है, समवर्षा रेखाएं, समवर्षा रेखाएं। फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, इंग्लिश वालों को मैं अलग से कराऊंगा थोड़ा सा, बस जिस दिन टाइम मिल गया, एक बार स्टार्ट हो गया क्लास फिर हो जाएगा। फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, कवक विज्ञान, इंग्लिश में कराने लगता हूं तो इतने भी स्टूडेंट्स नहीं आते। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही के गठन के लिए उत्तरदायी है, दही, दही जमाने में कौन से जीवाणु मदद करते हैं, लैक्टोबैसिलस, बिल्कुल सही जवाब है, सी इज द करेक्ट आंसर, लैक्टोबैसिलस। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, बारह, बिल्कुल सही जवाब है, 12 जोड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, एक गेंद को लंब पूर्वक से ऊपर फेंके जाने पर उसकी चाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा अचर रहती है, सौरभ चटर, ए ऊर्जा, ऊष्मा का एसआई मात्रक, ऊष्मा का एसआई मात्रक, जो स्टूडेंट्स अभी जुड़े हैं वो एक बार लाइक का बटन दबा दे फटाफट, 100 का आंकड़ा तो पार करा दो यार, 80 तो कंप्लीट करो, बचे हुए होंगे अभी 2-4 तो कहीं पे छुपे हुए बैठे होंगे, जूल, बिल्कुल जूल इज द करेक्ट आंसर। एक भाई ने बुरा मान लिया कि मैंने बोल दिया लाइक कर दे। अंकीय संगणक द्वारा डाटा तथा प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए किस प्रणाली का उपयोग होता है, नील बैरवा, नील बैरवा, ओके ब्रदर।
सर हिंदी की इंग्लिश भी बता दिया करो, दोनों स्टूडेंट की प्रिपरेशन हो जाएगी। उष्मा हीट बोलते हैं, उष्मा को बोलते हैं हीट। बी बाइनरी या द्विगुण। क्वेश्चन नंबर 74, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, थैंक यू गाइस, थैंक यू। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, बिल्कुल ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है? लोहे का अयस्क, डोलोमाइट, सेंधा नमक, लोहा उल्का या गैलेना या साधारण कच्चा सीसा। भाई मॉक टेस्ट में क्वेश्चन समझाऊंगा तो फिर काम तो नहीं चलेगा, इतने भी स्टूडेंट्स नहीं दिखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट से पहले पूछ चुका हूं मॉक टेस्ट में समझाऊं या नहीं समझाऊं, मना कर देते हैं भाई, पहले समझाता था। सी लोहा उल्का, कि सर टाइम बहुत लग जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर बता दिया करो। नो बॉल, गोल और नॉकआउट, किसका संबंध किस खेल से है? देखो साइड में कमेंट आ रहे, नहीं सर ऐसे ही ठीक है, पता है ना मुझे, मैं पहले करा चुका हूं सारी चीजें, पहले समझाता ही था भाई। स्टूडेंट्स को फिर थोड़ा लगता है कि टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, इसलिए कि वो जल्दी जल्दी रिवीजन करना चाहते हैं। नो बॉल, गोल, नॉकआउट। नो बॉल क्रिकेट से है, गोल का संबंध हॉकी से, नॉकआउट का बॉक्सिंग से। जवाब देख लेना कौन सा, बी सी ए होगा, और वो किस में है, सी में, बिल्कुल सी इज द करेक्ट आंसर। बी ए सी है ना शायद, हाँ रुक जाओ, गोल हो गया एक बार, मैंने गलत तो नहीं बता दिया, नो बॉल क्रिकेट मतलब पहले बी ए और सी, हाँ ए होगा भाई, मैंने गलत बोल दिया था, ए। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय। क्वेश्चन नंबर 78, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? जो करंट अफेयर्स देखते हैं उनके तो रट चुका होगा, ये ट्रिक भी बता रखी है, नेपाल की स्पेलिंग में कितने अक्षर है? तीन। अरे मतलब तुमने देखी नहीं मेरी वीडियो, नेपाल की स्पेलिंग में कितने अक्षर है? पांच। इंग्लिश में देखो एन ई पी ए एल, पांच अक्षर है तो पांच ही टच करते हैं, बात खत्म, आज के बाद याद हो जाएगा सबको। इसीलिए बोलता हूं 12 बजे की मेरी वीडियो देख लो, 50% जीके के क्वेश्चन बिना तैयारी के डेली देखोगे तो हो जाएंगे। भारत के संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति शामिल है? डेली 12 बजे का क्लास बेस्ट क्लास होता है, मैं हमेशा बोलता हूं, अगर कोई क्लास देखना है तो 12 बजे का क्लास जरूर देखा करो, चेंज 15 दिन के अंदर दिख जाएगा करंट अफेयर्स में, संविधान करंट अफेयर्स में भी और जीके में। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति शामिल है? समानता का अधिकार, बिल्कुल सी इज द करेक्ट आंसर, समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तब उसकी आयु केवल 12 वर्ष की थी, किसकी बात हो रही है 12 वर्ष की? एक ही होगा, बिल्कुल जहांगीर की है, गजब, ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन, हमेशा सारे 12 साल के अकबर ही नहीं होते, फिर से क्वेश्चन पढ़ लो। 1494 की बात है, अकबर 1600 के आसपास था, थोड़ा सा तो देख लिया करो, बस अकबर का नाम दिख गया तो अकबर आंसर। पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? बाबर, याद आया, डेट वेट थोड़ा सा याद रखा करो भाई, अकबर ऑप्शन में दिख गया तो इसका मतलब ये नहीं है अकबर आंसर होगा। 1494 की बात कर रहा है, पानीपत की लड़ाई से भी पहले, बाबर। उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताएं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था, ये तो याद होगा, डायर साहब, बिल्कुल सी इज द करेक्ट आंसर, डायर, हत्यारा। क्वेश्चन नंबर 82, 1936 ईस्वी में
अखिल भारतीय किसान सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन कहां पर हुआ? डी लखनऊ में। गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई? गदर पार्टी की स्थापना, जवाब दीजिएगा जो लोग अभी अभी आए हैं, और लाइक का बटन जिन्होंने नहीं दबाया एक बार सभी भाई दबा दें। कुछ लोग बुरा भी मान जाते हैं कि बार बार बोल देते हैं, लेकिन याद दिलाना पड़ता है यार, सपोर्ट मिलता है आप लोगों का, हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। एक एक घंटे बोलना बिना किसी चीज़ के आप लोगों के लिए बस यही चाहिए होता, थोड़ा लाइक और आप शेयर वेयर कर दें। तो करेक्ट आंसर होगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। बिल्कुल सही जवाब है, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवन नहीं है? यहां पर बोला गया है कि इनमें से कौन सा कोल्ड करंट नहीं है, कोल्ड करंट नहीं है जो। आठ स्टूडेंट्स और सेंचुरी कंप्लीट लाइक का। खमसिन, खमसिन जो है ये कोल्ड करंट नहीं है, ये हॉट करंट है, याद रखना। खमसिन जो है ये ठंडी पवन, कोल्ड करंट नहीं है, ये वार्म करंट या हॉट करंट आप बोल सकते हैं इसको। तो खमसिन, खमसिन सी इज द करेक्ट आंसर। भारत में प्रति चक्रवाती दशाएं विद्यमान होती हैं, मध्य मार्च, मध्य जून तक, मई सितंबर तक, दिसंबर मध्य फरवरी तक, फरवरी मई तक। दिसंबर मध्य फरवरी तक, बिल्कुल सी इज द करेक्ट आंसर। एक धन विधेयक कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? यहां पर मनी बिल के बारे में बात की गई है कि मनी बिल को आप खमसिन, इंग्लिश में भी खमसिन को खमसिन बोलते हैं विराट भाई। खमसिन जो है हवा है, एक हवा का नाम बोल सकते हैं आप, जैसे लू चलती है ना भारत में, लू क्या है, हवा है, गर्म हवा है ना लू, उसी प्रकार खमसिन भी एक जो है हॉट करंट है, गर्म हवा है। ओनली इन लोकसभा, बिल्कुल मनी बिल को सिर्फ जो है लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है, केवल लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता? मानव विकास सूचकांक में से इनमें से कौन को, किसको शामिल नहीं किया जाता, शामिल नहीं किया जा सकता? जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, प्रौढ़ साक्षरता और सामाजिक असमानता। तो जो है सामाजिक असमानता को जो है मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता, डी। जयसिंह पूरे क्लास कब तक होगी, बस 10-15 मिनट की क्लास बची है, 13 क्वेश्चन और, उसके बाद 10-15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, जल्दी ही फिर क्लास खत्म हो जाएगी। डेली 8 बजे से क्लास होता है आपका, 9 बजे तक। भारत में देश के 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? डेली होगा आप लोगों का मॉक टेस्ट, डेली, फिर उसके बाद करंट अफेयर्स रिवाइज भी करने हैं। जुलाई 1969। कुछ दिनों बाद हो सकता है इंग्लिश वालों के लिए अलग से क्लास भी लेकर आऊं। थोड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इंग्लिश वालों का मतलब बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं इंग्लिश में जो आजकल आते हैं, तो इस वजह से फिर इंग्लिश का क्लास नहीं रख पाते। यही क्लास है मेरी जो हिंदी में होती है, बाकी मेरी सारी क्लासेस दोनों लैंग्वेज के अंदर होता है। भारत रत्न पाने वाली सर्वप्रथम भारतीय महिला, हाँ मॉक टेस्ट इसी टाइम पे होगा 8 से 9। भारत रत्न पाने वाली सर्वप्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी किसे गुरुजी के उपनाम से जाना जाता है? गुरुजी के उपनाम से किसे जाना जाता है? एम एस गोलवलकर को जो है गुरुजी के नाम से जाना जाता है, या रविन्द्रनाथ टैगोर को? डिम्पी गुज्जर भी बोल रहे हैं गुरुजी। बिल्कुल बी इज राइट, एम एस गोवलकर को जो है गुरुजी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य में श्रृंगार एवं भक्ति रस की प्रधानता पाई जाती है?
महात्मा गांधी ने उपाधि दी थी गुरु जी की। सही बोल रहे हो, एक बार इस नाम के बारे में भी चेक करना आज, आप भी सही बोल रहे हो, लेकिन यहां पर उसका आंसर बी ही होगा। नृत्य में श्रृंगार एवं भक्ति रस की प्रधानता, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम वो उपाधि की बात थी, उपाधि गुरुजी की किसने दी थी वो होता। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। 99 हो गए, सेंचुरी होने में एक कंप्लीट चाहिए बस। 1928 ईस्वी में संगीत अकादमी की स्थापना कहां की गई थी? संगीत अकादमी मद्रास चेन्नई में, बिल्कुल सही जवाब है, सी इज द करेक्ट आंसर, मद्रास चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 93, फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? सेंचुरी कंप्लीट, थैंक यू गाइस। फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, उत्तराखंड में है फूलों की घाटी, तो करेक्ट आंसर होगा बी, उत्तराखंड। थैंक यू मनी भाई, थैंक यू, आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। एटीएम का अर्थ क्या है? एटीएम, एटीएम का फुल फॉर्म। थैंक यू प्रतीक भाई, थैंक यू। एटीएम का अर्थ क्या है? ये कुछ, ये बहुत बार पूछा जाता है, सही जवाब बताइएगा ध्यान से पढ़कर। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सी, सी इज द करेक्ट आंसर। जो लोग सी बोल रहे हैं उनका सभी का सही जवाब है, सी इज द करेक्ट आंसर। हुडको का फुल फॉर्म पूछा गया है, हुडको, हुडको या हडको जो भी आप बोलो, गांव वाली भाषा में हुडको बोलो, हडको बोलो, सब हमारा नाम नहीं आता क्या? आरव चौधरी नाम तो सभी का आता है, बस मैं बोलता नहीं भाई, नाम सभी का आता है, क्योंकि एक एक का नाम बोलने लगता हूँ ना तो सारे भाई मेरे बोलने लगते हैं, सब मेरा नाम रह गया, मेरा नाम रह गया, बस इस वजह से। हडको का फुल फॉर्म देख लो, चारों ऑप्शन है आपके सामने, चारों देखो उसके बाद बताओ हडको का क्या अर्थ है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ए इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। जो लोग ए बोल रहे थे उनका सभी का सही जवाब है ए, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। एक मिनट, भारत की पहली हवाई जहाज पोस्ट सेवा किन शहरों के बीच में प्रारंभ की गई थी? इलाहाबाद से नैनी तक, बिल्कुल ए इज द करेक्ट आंसर मुरारी चौधरी भाई, बहुत बढ़िया। हाँ, एसएससी सीएचएसएल के लास्ट के 5 ईयर्स के क्वेश्चन कर लो, बहुत हेल्प मिल जाएगा दिल्ली पुलिस में, क्योंकि एसएससी ही पेपर कराएगा ना आप लोगों का। मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई? लेकिन मिनिस्ट्रियल का नहीं कराएगा भाई, मिनिस्ट्रियल का दिल्ली खुद कराएगी। मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई? लेकिन फिर भी बहुत हेल्प मिलेगी एसएससी सीएचएसएल से, लगभग 50% क्वेश्चन अगर आप 5 साल के कर लेते हैं तो रिपीटेड मिल जाएंगे आपको। मिड डे मील योजना वर्ष 1995 में, नरेगा के संबंध में जो ठीक नहीं है वो बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में से, जो गलत है ध्यान से पढ़ो, जवाब बताओ। नरेगा के ऑप्शन में जो गलत है, सरकार के अन्य कार्यक्रमों की भांति इस कार्यक्रम में भी पारदर्शिता एवं जवाबदेही संभव नहीं है, ये जो है यहां पर गलत है। बाकी सारे पॉइंट्स यहां पर सही लिखे हुए हैं, तो बी जो है यहां पर गलत है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन है आपको मैच करना है वन और वृक्ष, मानसूनी वृक्ष में कौन सा होगा, मैंग्रोव वृक्ष इनमें से कौन सा है, सदा हरित जो सदा बहार वाला वृक्ष है वो कौन सा है, सवाना कौन सा है, तो पेड़ और वन को आपको मैच करना है, बत करिएगा। सही नहीं है, हाँ कौन सा जो है सही नहीं है वो बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो मानसूनी जो है सागौन का है बिल्कुल, मैंग्रोव सुंदरी के साथ, सदाहरित रोजवुड, सवाना पीपल, ये गलत है, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रीडा अवस्थित है, क्रीडा जिसे हम बोलते हैं केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान, ये कहां पर है? क्रीडा हैदराबाद में। सर इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दीजिए, ओके भाई, तो करेक्ट आंसर होगा हैदराबाद में। तो क्रीडा कहां पर है? हैदराबाद में है क्रीडा। तो ये हो गया हमारा रीजनिंग कंप्लीट।
जीके कंप्लीट, अब टाइम है बिल्कुल करंट अफेयर्स रिवीजन का। तो कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। अब ईयरफोन अगर है आपके पास तो लगा लो भाई, थोड़ा आवाज अच्छे से सुन के जवाब देना। जो अब सबसे पहले जवाब देगा मैं उसका नाम लेने वाला हूं। सर भाई आज का टेस्ट तो बेस्ट गया। धीरे धीरे जब आप देखेंगे आपको खुद के अंदर चेंजेस नजर आएगा, खुद के अंदर चेंजेस आपको टाइम टू टाइम, जो इंग्लिश में भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं ना। देखो मैं 40 क्वेश्चन लेके आता हूँ, 40 में से हो सकता है 20 क्वेश्चन की लैंग्वेज आपके समझ में ना आए, लेकिन 20 क्वेश्चन तो समझ में आएंगे भाई। कुछ तो सीखोगे, ऐसा तो होगा नहीं कि बिल्कुल कुछ सीखोगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने दोनों लैंग्वेज में होगा पेपर, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। क्या पता इंग्लिश में समझ ना आए तो हिंदी में पता लग जाए। और मैं कोशिश करूंगा इंग्लिश वालों के लिए भी लेकर आने की, ऐसा कभी नहीं होगा कि इंग्लिश वालों के लिए लेकर ही नहीं आऊंगा। मैंने करंट अफेयर्स पहले मैं हिंदी में कराता था, आप लोगों के लिए मैं इंग्लिश में भी लेकर आने लगा हूं। बस एक यही क्लास बची है जो अभी हिंदी हिंदी में है, लेकिन जिस दिन मुझे लगेगा कि आप लोगों का सपोर्ट बेहतरीन मिल रहा है उस दिन लेके आ जाऊंगा इंग्लिश में भी भाई। क्योंकि इंग्लिश में भी लेके आने पे बहुत मेहनत लगती है, आप समझेंगे नहीं, थोड़ा सा मुझे अपना भी देखना होता है फिर। चलो, विच पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म फॉर फॉरेन टूरिस्ट, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल दूंगा करंट अफेयर्स। वो कौन सा पोर्टल है जो टूरिज्म मिनिस्ट्री द्वारा फॉरेन टूरिस्ट के लिए लॉन्च किया गया था कि भारत में अगर आप फंसे हुए हैं तो इस पोर्टल के जरिए आप हमें बता सकते हैं, उस पोर्टल का नाम बताओ। थैंक यू भाई पीयूष भाई, थैंक यू। उस पोर्टल का नाम बताओ, स्टैंडर्ड इन इंडिया। संतोष सिंह ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, स्टैंडर्ड इन इंडिया, बस थोड़ा सा गलत बोल दिया। उस पोर्टल का नाम है स्टैंडर्ड इन इंडिया। अगर कोई भी टूरिस्ट भारत में कहीं फंसा हुआ है तो वो इस पोर्टल के जरिए भारत सरकार को बता सकता है, भारत सरकार उसकी हेल्प करेगी, और इसका नाम है स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल। क्या है? स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटी, मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटी किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई? मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटी, हैंड वॉश फैसिलिटी किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई? मोबाइल का यहां पर मतलब क्या है ये भी आप मुझे बताएंगे। जवाब आ चुका है बिल्कुल, प्रियंका मुरारी चौधरी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटी स्टार्ट की गई आंध्र प्रदेश द्वारा। मुरारी चौधरी क्या बात है, सारे ऑप्शन बोल रहे हो भाई, कर्नाटक भी बोल दिया, आंध्र प्रदेश भी बोल दिया, मैं तो आपका नाम बोल दिया था कि आपने सही जवाब दे दिया, लेकिन आपने तो सारे ही ऑप्शन बोल दिए। 28 स्टेट है अभी भारत में और 8 यूनियन टेरिटरी, सीधा बोल देते 28 स्टेट में से एक या फिर यूनियन टेरिटरी में से एक। तो करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश, ठीक है। हाँ बिल्कुल, विराट जांगिड़ ने बोला पोर्टेबल, मोबाइल का मतलब है पोर्टेबल, जिसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सके, बिल्कुल पोर्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना बताया? इंडिया रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना बताया 2020-21 के लिए? इंडिया रेटिंग्स एस्टिमेटेड इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 20। ध्यान से देखते हैं कौन सही जवाब देगा। हाँ हाँ, कोई तुक्के मारते रहो, 2-3-4, अरे ये कौन गया, 3.6 दीपक चौहान, बिल्कुल सही जवाब है। तो इंडिया रेटिंग्स के अनुसार भारत की जीडीपी बताई गई है 3.6%, 2020-21 में कितनी रहेगी? 3.6% इंडिया रेटिंग्स के अकॉर्डिंग। चलो अगला क्वेश्चन है, और आप लोगों के पास 28 ऑप्शन है, समझ गए होंगे तो क्वेश्चन कहां से है, 28 ऑप्शन किसमें मिल सकते हैं, राज्य में से, एक राज्य का नाम बताना है आपको। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड द होम एजुकेशन प्रोग्राम, किस राज्य ने होम एजुकेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया? आप लोग ऑप्शन बोलते थे, मैंने ऑप्शन दे दिए, 28 ऑप्शन है। किस राज्य ने होम एजुकेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया? अमन सैनी, बहुत बढ़िया भाई, सही जवाब है गुजरात, गुजरात इज द करेक्ट आंसर। और मोनू शर्मा का भी बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात इज द करेक्ट आंसर।
गुजरात। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, होम एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया गुजरात द्वारा। वेरी गुड प्रियंका सिंघानिया, ओके। कभी कभी छूट जाता है कोई कमेंट, कभी कभी जब बहुत तेजी से कमेंट आ जाते हैं, एक्साइटमेंट में आप कमेंट बहुत जल्दी कर देते हो ना। बिल्कुल अमन भाई आपका नाम आया है, ताली बजाओ भाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज अनाउंस द लॉन्च, बुरा मत मानना भाई, थोड़ा थोड़ा मजाक भी जरूरी होता है तो दिल से मत लेना कोई। हु हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ कोरोना स्टडीज सीरीज, हु हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ कोरोना स्टडी सीरीज, कोरोना स्टडी सीरीज किसने लॉन्च की, कोरोना स्टडी सीरीज किसके द्वारा लॉन्च की गई, जवाब बताओ अब, बहुत हो गई तालियां। कोरोना स्टडीज सीरीज किसके द्वारा लॉन्च की गई, राकेश कुमार बोल रहे गूगल ने, वेरी गुड। एक बोल रहा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मार लो तुक्के, मार लो मारो, इटली, जिसान अली भाई बोल रहे हैं इटली। कोरोना स्टडी सीरीज लॉन्च की गई है एनबीटी द्वारा, नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा। तो करेक्ट आंसर होगा एनबीटी, सारे ऑप्शन बता देते हो यार, एनबीटी, नेशनल बुक ट्रस्ट। कोरोना स्टडी सीरीज लॉन्च की गई है एनबीटी द्वारा, तो करेक्ट आंसर होगा एनबीटी, नेशनल बुक ट्रस्ट। अच्छा, एडीबी ने अभी जो है कितने मिलियन डॉलर भारत में इन्वेस्ट करने को कहा है, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में कितने मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने को कहा है कि एडीबी भारत में इन्वेस्ट करेगा। प्रतीक दहिया ने तुरंत जवाब दे दिया, बिल्कुल सही जवाब है, 100 मिलियन डॉलर, करेक्ट आंसर है। तो एडीबी जो है 100 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेगा भारत में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में। अच्छा, एडीबी का फुल फॉर्म क्या है, एडीबी का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट करके बताएंगे आप एडीबी का फुल फॉर्म, देखते हैं कौन सबसे पहले बताएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक, प्रतीक दहिया, बिल्कुल। अब आप मुझे यह भी बता दो, इसके जो है एडीबी के अध्यक्ष कौन है अभी हाल ही में और कौन से नंबर के हैं, रटवा चुका हूं ये तो मैं, इसके अध्यक्ष का क्या नाम है, लास्ट वाला भी बताओ तो चलेगा, और कौन से नंबर के हैं, और जो इसके अध्यक्ष बने हैं मोहम्मद सब्स बीजिंग, अध्यक्ष बीजिंग कैसे हो सकता भाई, सारे के 10वें अध्यक्ष हैं बिल्कुल, और नाम है असकावा, बिल्कुल नीतू ने सही जवाब दिया है, एम असकावा इज द करेक्ट आंसर, एम असकावा जो है इसके अध्यक्ष हैं और ये 10वें अध्यक्ष हैं एडीबी के। अभी तक जितने भी एडीबी के अध्यक्ष रहे हैं वो सारे के सारे कहां पर रहे हैं, जापान के रहे हैं, बिल्कुल, हेडक्वार्टर बीजिंग में है एडीबी का, नहीं भाई बीजिंग में कहां है एडीबी का हेडक्वार्टर, किसने बोल दिया बताओ भाई को, एडीबी का हेडक्वार्टर कहां पे है, 12 बजे की क्लास देखो भाई लोग, मनीला फिलीपींस, बिल्कुल नील बैरवा सही जवाब है, मनीला फिलीपींस में है, मनीला फिलीपींस में है एडीबी का हेडक्वार्टर, बीजिंग में नहीं है भाई, मनीला फिलीपींस, इसीलिए बोलता हूं 12 बजे का क्लास डोज है आप लोगों के लिए, वो कहते हैं ना डेली डोज, इंजेक्शन लगता है 12 बजे, जिसके वो इंजेक्शन लग गया वो उसके 90% जीके के क्वेश्चन और करंट अफेयर्स की क्लास सही रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च द ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी मी बडी ऐप, मी बडी ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई, ऑप्शन कितने होंगे पता है आप लोगों को कितने ऑप्शन है, मी बडी ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई जिसमें ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी होगा, देखते हैं कौन सबसे पहले सही जवाब देगा। बिल्कुल 28 के 28 ऑप्शन के जवाब आने लगे हैं, एक एपी तो दो बनते हैं, आंध्र प्रदेश समझू एपी का मतलब या अरुणाचल प्रदेश भाई ये भी बता दो, गुजरात कर्नाटक आंध्र प्रदेश, अभी रह गया यार मध्य प्रदेश रह गया भाई, मध्य प्रदेश रह गया, तेलंगाना भी रह गया, मुंबई आ गया, मुंबई, मुंबई पवन बागेल, मुंबई स्टेट है, मुंबई महाराष्ट्र होगा, मुंबई नहीं होगा, कम से कम स्टेट तो बताओ, कैपिटल क्यों बता रहे हो, आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, संतोष सिंह बहुत बढ़िया भाई, तो आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, मी बड़ी ऐप लॉन्च की गई है आंध्र प्रदेश द्वारा, करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश, एपी बोल दो, बिल्कुल सबसे बढ़िया एपी, गुरुजी समझ लो बस आंसर तो एपी है, जोन सा ठीक लगे है ना।
डेली डोज तो बढ़िया है यार। 12 बजे वाला देखो, दो क्लासेस है, एक 6 बजे होती है अर्ली इन द मॉर्निंग, 6 बजे जहां पर जो वन लाइनर्स के लिए जरूरी होते हैं वो कर लेते हैं, और एक होता है 12 बजे, उसमें हम जीके प्लस करंट अफेयर्स दोनों को करते हैं, जो 12 बजे क्लास होता है। 6 बजे वाली में सिर्फ वन लाइनर्स, जो ज्यादा मतलब जरूरी तो है लेकिन डिटेल्स में पढ़ने जरूरी नहीं है। 12 बजे हम डिटेल्स में जीके के साथ कनेक्ट करके पढ़ते हैं। जिसान अली बोल रहा है सर एडमिट कार्ड कब तक आएगा? जून तक भूल जाओ, कोई पेपर हो रहा जून से पहले पूछना भी नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जून से पहले मत पूछ लेना पेपर कब होगा, आज ही बताया था। जून तक तो आंख बंद कर लो, गलती से भी मत पूछ लेना पेपर होगा कि नहीं होगा। 15 जून के बाद मेरे से पूछना कि पेपर हो सकता है कि नहीं हो सकता, उससे पहले मत पूछना भाई। फाइनल वार्निंग है, सबको बता दो, जून से पहले कोई नहीं पूछेगा गलती से भी। बस ये याद रखो, तुम्हारे पास टाइम है और इन 3-4 महीने का तुम अपने आप को कितना प्रिपेयर कर सकते हो कर लो। दम है तो नौकरी ले लेना भाई, सिंपल सी चीज है। अगला क्वेश्चन, क्रिटिक्स चॉइस फिल्म अवार्ड्स में, क्रिटिक्स चॉइस फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? क्रिटिक्स चॉइस फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? गली बॉय ने, प्रियंका सिंघानिया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड पूछ रहा हूं, मूवी का नाम बता रहे हैं। विराट, जहांगीर, रणवीर कपूर, आयुष्मान खुराना, बहुत बढ़िया, अक्षय कुमार, सलमान खान, रणबीर सिंह, बिल्कुल रणवीर सिंह इज द करेक्ट आंसर। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है रणवीर सिंह ने, करेक्ट आंसर होगा रणवीर सिंह। पूरा नाम बताया करो, रणवीर कपूर भी है, रणवीर सिंह भी है, आयुष्मान खुराना भी बोल दिया भाई ने, तो करेक्ट आंसर होगा रणवीर सिंह। तो क्रिटिक्स चॉइस फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है रणवीर सिंह ने, करेक्ट आंसर होगा रणवीर सिंह। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रज्ञाम ऐप, प्रज्ञाम ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई? भाई देखो, यूट्यूब पर सबसे अनोखी क्लास होगी है, जिसमें एक ही साथ आप लोगों को पढ़ने को मिल रहा है, रीजनिंग का भी मॉक टेस्ट, जीके भी, और साथ के साथ डेली करंट अफेयर्स रिवीजन। बेस्ट चीज तो यह है कि डेली करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे हो, पीछे का भूलोगे नहीं, और यही 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 आपका सिलेक्शन जो है डिसाइड करेगा करंट अफेयर्स, जो दिल्ली पुलिस किसकी कर रहे हैं, कॉन्स्टेबल की, क्योंकि 20-20 क्वेश्चन तक आएंगे करंट अफेयर्स से। प्रज्ञा में अपलोड किया गया झारखंड द्वारा, बहुत बढ़िया स्नेहापाल, तो करेक्ट आंसर होगा झारखंड, झारखंड द्वारा लॉन्च किया गया प्रज्ञा मैप, किसके द्वारा? झारखंड द्वारा। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, उससे पहले जो मेरा कोई भूला भटका भाई रह गया हो और अभी तक लाइक करना याद ना रहा हो जिसके, वो एक बार लाइक दबा दे। कल मिलेंगे फिर मॉक टेस्ट में, रात को 8 बजे, सुबह 6 बजे, दोपहर को 12 बजे, ये 3 टाइम याद रखो, 6, 12 और 8, 6 बजे क्लास, 12 बजे क्लास, 8 बजे क्लास, ये तो होनी ही होनी है। किसी दिन मेरा मूड कर गया तो बीच में कोई ना कोई क्लास डाल देता हूं। थैंक यू कैरियर पॉइंट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। अभी क्वारंटाइन ऐप किस आईआईटी द्वारा लॉन्च किया गया? क्वारंटाइन ऐप, क्वारंटाइन ऐप किस आईआईटी द्वारा लॉन्च किया गया? भाई मेरा नंबर है 7827034344। आप लोगों के लिए मैंने एक जो है पेड ग्रुप भी बना रखा है, जिस भाई को लगे कि ज्वाइन कर लेना चाहिए कर लेना, आप वहां पर डाउट पूछ सकते हैं। पर्सनली किसी के भी डाउट का रिप्लाई नहीं करूंगा, डाउट आता है ग्रुप पे पूछ लो, इसीलिए आप लोगों के लिए बना रखा है। सिर्फ 50 रुपीज आपको पे करने हैं और ये एक्टिव रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। अब वो एग्जाम 7 महीने ना हो, 1 साल ना हो, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता तब तक ये ग्रुप एक्टिव रहेगा आप लोगों के लिए। नंबर आपके सामने है, 50 रुपीज पे करने हैं, स्क्रीनशॉट दे देना, जिस भाई को ऐड होना हो ऐड कर दूंगा वहां पे, और भी बहुत सारी बुक्स वगैरह मिल जाएगी, थोड़े बहुत पीडीएफ भी मिल जाते हैं। हाँ भाई, व्हाट्सएप ग्रुप है बता, व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ नहीं मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप, यहां पर मैं आपको टेलीग्राम पे ऐड करूंगा क्योंकि सारा मटेरियल वहीं पर होता है। और क्वारंटाइन का आंसर है आईआईटी बॉम्बे, पता नहीं क्या क्या बोला मैं, पढ़ नहीं पाया, आईआईटी बॉम्बे, क्वारंटाइन ऐप लॉन्च किया था आईआईटी बॉम्बे ने, तो करेक्ट आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे। स्क्रीनशॉट ले लो, नंबर का लेना हो टेलीग्राम पे ऐड कर दूंगा, व्हाट्सएप पे ऐड कर दूंगा, मटेरियल
मिलेगा टेलीग्राम पर, क्योंकि व्हाट्सएप पर सिर्फ 200 स्टूडेंट ऐड होते हैं भाई, और उसमें भी व्हाट्सएप का ऐसा काम है कि आप लोग क्या करते हो उसमें आलतू फालतू चीज़ सारी खोज खबर दुनिया में, उसका भाई खो गया, उसका ट्रेन में सामान खो गया, वो सारी चीज़ें आने लगती हैं। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है कि आलतू फालतू चीज़। और मैं एक हाथ जोड़ के एक ही चीज़ बोलता हूँ अपने सभी भाइयों बहनों से, सभी से एक ही चीज़ जो बोलता हूँ हाथ छोड़ के, भाई 50 रुपये कम तो है, ये तो सबको पता है, सब कर लेते हैं ज्वाइन आराम से, पर भाई वो ज्वाइन मत करना जो सीरियस ना हो, प्लीज़ वही ज्वाइन करना जो चाहते हो कि हाँ कुछ हो जाए इस बार। देख कितनी बढ़िया बात बता रहा हूँ भाई, ये मत सोचना कि कर लूँ और बस कोई नहीं, और फिर क्योंकि थोड़े बहुत वहाँ डाउट भी आते हैं, उन्हें करना भी पड़ता है, थोड़ा बहुत कॉपी पेन उठाना पड़ता है उस ग्रुप में, तो वही लोग आना जो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, किसी भी टाइम कोई क्वेश्चन आए उसका जवाब दे सकते हैं। हाँ ये भी मिल जाता है पीयूष तंडाना भाई, खोया आलतू फालतू, और कभी कभी तो ये भी हो सकता है कि व्हाट्सएप पे थोड़े से दिनों में आ जाए, दिल्ली पुलिस में नौकरी चाहिए, आ जाओ बाबा के भक्त बनते हैं, ठीक है। तो चलो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। जो किसी भाई ने लाइक ना किया हो वो याद करके लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और दो चार को बुला सको तो उन्हें बुला के सब्सक्राइब करवा देना, फ़ोन छीन के करवा देना सब्सक्राइब। पेमेंट भाई व्हाट्सएप जो है पेटीएम टेलीग्राम सॉरी पेटीएम अमेजन गूगल पे फोन पे जैसे आप करना चाहो वैसे कर देना, मर्जी आपकी। थैंक यू, जय हिंद जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, सुबह मिलते हैं 6 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।